वेलकम बैक टू माय चैनल टेलर आज चैनल में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। मैं अभी निकल चुका हूँ गढ़वा की ओर और अभी है कल्याणपुर में। कल्याणपुर में है दोस्तों, देख सकते हैं। और इधर पार्क बन रहा है नया नया गढ़वा के लिए, देख सकते हैं गढ़वा कल्याणपुर। और सामने इधर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जो कि अभी बन रहा है, उसका भी उद्घाटन इसी वर्ष होने वाला है। और इधर भी पार्क भी बनने वाला है, देख सकते हैं। देख सकते हैं पार्क सामने क्यों मस्त है, देख सकते हैं। यह है गढ़वा का नज़ारा पार्क जो कि अभी बन रहा है दोस्तों। अभी देख सकते हैं इसमें भी काम अभी चल रहा है। बहुत अच्छे लोग जो कि गोपीनाथ कॉलेज में एग्जाम चल रहा है दोस्तों। अभी देख सकते हैं अभी निकल चुके हैं दोस्तों। गढ़वा नहर चौक का है, देख सकते हैं ये रामनवमी का डेकोरेशन, देख सकते हैं ऐसा। और सामने मूर्ति रखा हुआ है, देख सकते हैं। जो कि दोस्तों अभी जाएंगे उधर गढ़वा की ओर आगे। दोस्तों रोड में कितना झंडे रहना करते हैं, कितना देख दोस्तों। रंग का मोड़ का यू जो कि गढ़वा रंग का मोड़ जो कि देख सकते हैं पास है। और इधर देखो कितना अच्छा है दोस्तों, घंटाघर देख सकते हैं दोस्तों। गढ़वा घंटाघर जो कि यहाँ पे बोलते हैं रंग का मोड़ दोस्तों। फाइनली दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ गढ़वा पॉलिटेक्निक कॉलेज से कैंपस में, अभी जाने वाला है दोस्तों। और आईटीआई कॉलेज है दोस्तों, इधर सामने दिखा रहे हैं अभी बैक कैंपस से जो कि देख सकते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों सामने गढ़वा पॉलिटेक्निक जो देख सकते हैं। सामने से एंट्री है दोस्तों, यहाँ से आगे रास्ता है। और इधर है सामने दोस्तों आईटीआई कॉलेज, देख सकते हैं। और उधर है दोस्तों उससे आगे, इस बिल्डिंग के आगे उधर कस्तूरबा कॉलेज है गढ़वा पॉलिटेक्निक, वहाँ पे काम है दोस्तों। अभी देख सकते हैं इस वीडियो में कंटिन्यू बन रहे दोस्तों, जाएंगे अभी कैंपस में गढ़वा पॉलिटेक्निक में। देख सकते हैं दोस्तों अभी सामने है जो कि अभी जाएंगे। फाइनली दोस्तों तो गढ़वा पॉलिटेक्निक में आ चुके हैं जो कि देख सकते हैं अभी जा रहे दोस्तों। और इधर सामने रास्ता है एक, इधर है गढ़वा पॉलिटेक्निक कैंपस, देख सकते हैं गढ़वा पॉलिटेक्निक जो कि अभी जाएंगे दोस्तों, देख सकते हैं। और सामने है गेट दोस्तों जो कि यहाँ पे अभी काम है, सर्टिफिकेट लेना है जो कि मेरा दोस्तों गढ़वा पॉलिटेक्निक में कंप्लीट हो चुकी है मेरा कोर्स भी। अब दिखाएंगे दोस्तों सर्टिफिकेट कैसा रहता है। फाइनल दोस्तों गढ़वा पॉलिटेक्निक में आ चुके हैं अंदर, देख सकते हैं ये कैंपस है दोस्तों। और देख सकते हैं पीछे का नज़ारा, और यह है दोस्तों गढ़वा पॉलिटेक्निक, देख सकते हैं सामने गढ़वा पॉलिटेक्निक लिखा हुआ। देख सकते हैं सामने हॉस्टल गर्ल्स का हॉस्टल है बिल्डिंग जो कि अभी जाएंगे दोस्तों गढ़वा पॉलिटेक्निक में सर्टिफिकेट लेना है। देख सकते हैं गढ़वा पॉलिटेक्निक का, देख सकते हैं झंडा तोलन यहाँ पे होता है दोस्तों। और फिर यहाँ फूल लगा हुआ है, देख सकते हैं गार्डन कितना अच्छा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन देख सकते हैं गढ़वा पॉलिटेक्निक। ये रहा दोस्तों गढ़वा पॉलिटेक्निक जो कि अभी अंदर जाएंगे, देख सकते हैं। गढ़वा पॉलिटेक्निक नज़ारा भी A few moments later गाइस मेरा अभी पोपट हो चुका है जो कि रांची में गया था दोस्तों। मनोज सर बोले कि वहाँ पे माप का चला गया है गढ़वा पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे आया तो बोल रहे हैं कुछ कुछ आया है सर्टिफिकेट, कुछ कुछ नहीं आया है। देखते हैं दोस्तों, अभी वेट करने के लिए बोल रहे हैं, कितना वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अभी एग्ज़ाम भी है इन लोग का गढ़वा पॉलिटेक्निक जो इसी कॉलेज का, थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों और सर्टिफिकेट लेंगे कुछ दिन। कुछ नोटिस तो हो चुका है सब पूरा कंप्लीट वाला ही, अभी केवल सर्टिफिकेट लेने के लिए बाकी है दोस्तों। कुछ कुछ सर्टिफिकेट आया है और ऐसे भी पहले मिल चुका था दोस्तों, दिखा देंगे अभी। उसका फोटोकॉपी है मेन, तो उसका ओरिजिनल तो रांची में जमा कर दिए थे और नाम में गड़बड़ी होता है तो उसी
कहाँ कहाँ से मतलब कहाँ पे उसके जाना पड़ता है, उसके लिए इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। अभी देखा है कि उसका कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, नाम में गड़बड़ी हो जाता है तो किसके पास जाना पड़ता है और क्या क्या उसमें करना पड़ता है। सर्टिफिकेट आएगा तो देखाएंगे दोस्तों, नहीं तो अभी देखा सकते हैं कैसे कैसे उसमें नाम लिखना पड़ता है। उसमें बता रहे हैं दोस्तों, कोर्ट में एफिडेविट कराना पड़ता है, जो अनुमंडल होगा ना वहीं से होगा दोस्तों। नाम के लिए सुधराने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट में मैट्रिक का जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो पढ़ाई लिखा का सर्टिफिकेट में जो भी गड़बड़ी होता है दोस्तों अनुमंडल से होता है, न कि जिला से। जिला से बनाएगा दोस्तों वहाँ से नहीं होने पाएगा, अनुमंडल से होता है। जो कुछ भी नाम में गड़बड़ी हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गया इसका पिताजी का, फिर मम्मी की मदर का नाम इधर अपना नाम, उससे गड़बड़ी होता है दोस्तों। वहाँ सबसे पहले अनुमंडल में जाइए, वहाँ पे तुरंत देखिए वहाँ पे बन जाएगा। और रेफरल लेटर दोस्तों, कॉलेज का रेफरल लेटर एक देता है लिख के, रेफरल लेटर रेफरल कोड रहा था उसमें, जो कि तभी होगा दोस्तों जीपी करके या कहाँ पे लातेहार गढ़ा पॉलिटेक्निक जो भी है दोस्तों वहाँ के रेफरल लेटर वहाँ से देता है। एप्लीकेशन में लिखेगा दोस्तों एप्लीकेशन अपना नाम, क्या क्या में गड़बड़ी हुआ है, उसमें क्या सुधरवाना चाहते हैं, उसमें अटैच सारा चीज़ अटैच करना पड़ता है दोस्तों। आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, और मैट्रिक हो गया दोस्तों, जो पॉलिटेक्निक हुआ तो मैट्रिक लगाना पड़ेगा आपको, सर्टिफिकेट तभी सुधरेगा दोस्तों। और क्या बताएं, और ज़्यादा कुछ तो नहीं रहता है इसमें, अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट डाल देना दोस्तों और उसमें क्या गड़बड़ी हुआ है उसके बारे में मेंशन कर देना। देख सकते हैं दोस्तों गढ़ा पॉलिटेक्निक के कैंपस में भी रिपोर्ट हो चुका है, कुछ कुछ तो आया है। मेन बात तो रांची में बोल दिया था सर, तो वहाँ पे मनोज सर जो कि हेड है दोस्तों जी यू टी बोर्ड के, मनोज सर जो कि वही देखते हैं सारा चीज़, मनोज सर जो कि वहाँ पे गए थे दोस्तों, और मनोज सर से मिले थे दोस्तों वहाँ पे गए थे, तो बोल रहे तो तुम सर्टिफिकेट लेने आए यहाँ पे। हम बोले कि नहीं, मेरा भी एग्ज़ाम था दोस्तों रांची में कुछ दिन पहले, जो कि नेवी का था, नेवी की एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद जी यू टी बोर्ड में गए, वहाँ पे मनोज सर से मिले, वहाँ पे बोला कि चला गया है सर्टिफिकेट आपका। देखते हैं दोस्तों आप गढ़ा पॉलिटेक्निक में आ चुके हैं, देता है कौन कौन सर्टिफिकेट, जो कि अभी गढ़ा पॉलिटेक्निक में देख सकते हैं। तो अभी तो मैंने बताया नहीं इसके बाद क्या क्या किया है, गढ़ा पॉलिटेक्निक में कब आए और कब से एडमिशन लिए थे, कब से यहाँ पे काउंसलिंग हुआ था, क्या हुआ था उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों एग्ज़ाम लिखे थे JCV ECV करके था उसका साइट, उसका नाम था झारखंड पॉलिटेक्निक, से सर्च करेगा तो आ जाएगा। ITI भी, हाँ दोस्तों ITI भी किए मतलब करने जा रहे थे, उसके बाद एडमिशन रांची में था, रांची ITI वहाँ पे छोड़ दिए दोस्तों एडमिशन के लिए। उसके बाद गढ़ा पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई किए थे, एग्ज़ाम भी दिए दोस्तों, और उसमें भी काउंसलिंग हुआ था, दो तीन बार गए थे दोस्तों काउंसलिंग में बैठे, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था इसलिए रिजेक्ट कर रहे थे दोस्तों, और अच्छा कॉलेज हमको नहीं लग रहा था उधर है अच्छा कॉलेज, दो तीन बार मिस किए हैं दोस्तों, मतलब काउंसलिंग में गए वहाँ पे बैठे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, पैसा वहाँ पर बर्बाद, दो तीन बार बर्बाद किए हैं दोस्तों काउंसलिंग में, उसके काउंसलिंग में बैठने के लिए पैसा लगता है दोस्तों, उसमें कुछ चलान वन कटता है उसके लिए। गढ़ा पॉलिटेक्निक से भी गवर्नमेंट है दोस्तों, काउंसलिंग से आए थे हम यहाँ पे, कुछ पैसा कम लगा था, 10-11 हज़ार लगा था एक साल में, फिर दूसरे का साल में 10-10 हज़ार लगा था, और इधर स्कॉलरशिप भी आ गया था 15-15 हज़ार जो गया था दोस्तों, एक साल में 15 हज़ार, फिर दूसरे का साल में 15 हज़ार, फिर तीसरे में 15 हज़ार, 15-45 से हो गया, और 10-30, 30-34, 34-35 हज़ार ये लगा था दोस्तों, और और एग्ज़ाम समय वो अलग फी लगता है दोस्तों, एग्ज़ाम देने समय फाइनल जो अलग, एक एक मतलब कि कितना 1,000 लगा था दोस्तों, एक एक 6,500 वही लगा था बस, इसके में गढ़ा पॉलिटेक्निक ऐसा ही फाइनल हो चुका है फिर में। देखेंगे दोस्तों बीटेक के लिए अप्लाई कर दिए हैं, फिर देखेंगे बीटेक कॉलेज के लिए कौन सा बेस्ट होगा, और गवर्नमेंट कॉलेज देखेंगे दोस्तों आपकी, सीबी गवर्नमेंट फंस गया नहीं दोस्तों, उसका पैसा असूली हो गया, मतलब फ्री में पढ़ाई हो चुका है गढ़ा पॉलिटेक्निक पे, जो कि गढ़ा पॉलिटेक्निक में 18 से 21 बैच, 18 से 21 और एक साल
एक साल वहाँ पे किए दोस्तों, बाद फिर एडमिशन कटा दिए थे वहाँ पे। बोल रहे थे सर वहाँ पे गिरवा कॉलेज डालेगा इसमें, वहाँ पे एडमिशन एक साल पढ़े वहाँ पे, बीएससी था वहाँ पे। उसके बाद गढ़ा पॉलिटेक्निक में आए एक साल, तो 17 में एडमिशन दिए थे दोस्तों, 18 में कटा दिए थे, 18 में गढ़ा पॉलिटेक्निक में एडमिशन। अभी भी एडमिशन लिए है दोस्तों, जो कि बीएससी में है। अभी देख सकते हैं बीएससी में, जो कि गढ़ में लिए थे दोस्तों, अभी बीएससी नहीं करना है हमको, भी नहीं लग रहा है बीएससी करना चाहिए, जो कि जिस लाइन में जा रहे हो दोस्तों उसी चीज़ करना चाहिए, जो कि अभी मैं करूँ दोस्तों बीटेक। अप्लाई भी कर दिए सारा चीज़, पहले नहीं करना चाहते थे तो दोस्तों, अभी काम कर रहे थे बहुत पहले से, अभी भी काम कर रहे हैं दोस्तों, एप्लीकेशन लगा के छुट्टी में है दोस्तों। बीटेक के लिए देखेंगे दोस्तों, जो कि डाल्टनगंज में है और एक डाल्टनगंज में है, दो कॉलेज है, एक प्राइवेट है एक गवर्नमेंट है दोस्तों, पूरा गवर्नमेंट है, जो कि फिलहाल इसी वर्ष खुला है 2022 में खुला है, और अभी 23 चल रहा है, एक साल हो रहा है हम लोग, मतलब कि अभी खुला हुआ बीटेक कॉलेज डाल्टनगंज में, लेस्लीगंज में है, और एक उधर है दोस्तों हवाई अड्डा की तरफ, उधर क्या बोलते हैं डीएवी कॉलेज है, जो वो भी प्राइवेट है दोस्तों। अब गाइस अभी तो फैशन आ चुका है बीटेक ना किया तो कुछ नहीं किया, डिप्लोमा बीटेक नहीं किया तो कुछ नहीं। ये दोस्तों कोई ना कोई बंदा रहता है, कोई भी कहता है दोस्तों बीटेक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक बोलते हैं उसको, पॉलिटेक्निक बीटेक हर बंदा कर रहा है आजकल, फैशन हो चुका है, क्या हो चुका है, हर कोई बंदा कर रहा है। देख सकते हैं गाइस गढ़ा पॉलिटेक्निक कैंपस का जो इस प्रकार का नज़ारा है दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये रहा गढ़ा पॉलिटेक्निक कैंपस, देख सकते हैं से इधर देख सकते हैं केवल धान ही धान का खेती देख सकते हैं, नज़ारा देखिए दोस्तों, जो कि मेरे गांव का है, विलेज का, जो कि अपने गांव में आ चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों और गुड न्यूज़ है कि मेरा कुछ पीन आ गया है,